नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर, बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म एनिमल का ट्रेलर बीते दिन रिलीज किया गया। इस खास मौके पर एनिमल स्टार रणवीर कपूर दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के बाद बंगला साहिब गुरुद्वारे में दर्शन के। इस दौरान रणवीर कपूर के साथ बॉबी देओल भी नजर आए। दोनों को देखने के लिए काफी पब्लिक जमा नजर आई। फिल्म का ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लोग सोशल मीडिया पर सॉलिड रिएक्शन दे रहे हैं। इस ट्रेलर लॉन्च इवेंट के बाद रणवीर कपूर मुंबई वापस लौटे और उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में रणवीर कपूर पठानी सूट पहने नजर आ रहे। इसके साथ ही उन्होंने शॉल ले रखी है। रणवीर कपूर ने शॉल से अपना सिर कवर किया, यानी शॉल ओढ़ रखी है। तेजी के साथ वह बाहर निकलते नजर आ रहे। इसी बीच उनके सामने कई छोटे बच्चे आ जाते हैं और एक्टर उनके साथ फोटो क्लिक कराने के बाद सीधे अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। रणवीर कपूर का ऐसा स्टाइल पहली बार ही देखने को मिला है। इसके देखने के बाद कुछ फैंस तो उनकी तारीफ कर रहे, वहीं कई एक्टर को ट्रोल करने में लग गए हैं। कोई उन्हें संजय दत्त से कंपेयर कर रहा है तो कोई उनके सिर ढकने की वजह बता रहा है। एक नेटिजन ने लिखा, यह संजय दत्त को कॉपी करता है, सस्ता संजय दत्त। वहीं एक फैन ने लिखा, इसके सिर पर बाल नहीं है, इसलिए ही हमेशा सिर कवर करता है। एक ने तो साफ कह दिया कि रणवीर कपूर का हेयर पैच बिगड़ गया, इसलिए ही उन्होंने सिर कवर किया है। वहीं एक शख्स ने संजय दत्त से कंपेयर करते हुए लिखा, यह बिल्कुल संजय दत्त जैसा लगता है। बता दें कि एनिमल फिल्म में रणवीर कपूर और रश्मिका मंदाना के साथ अनिल कपूर, बॉबी देओल, शक्ति कपूर, सुरेश ओबराय, प्रेम चोपड़ा और तृप्ति डिमरी प्रमुख भूमिका में है। फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया, जो कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी का निर्देशन करने के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।